पुलिस महानगर से मैं सादिया हुसैन से। आज फिर दीवा डंपिंग ग्राउंड को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको एक दिन पहले भी हमने ये न्यूज में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कचरा फेंका जाता है मुमरा का, इसके वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज पूरी महिलाएं, आज संडे का दिन है, इसके लिए पूरी महिलाएं निकल के धरना प्रदर्शन पे बैठ गई कि अब हम यहाँ पे नहीं कचरा डालने देंगे मुमरा का और यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इनका यही कहना है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुँचना चाहिए ताकि ये जो डंपिंग ग्राउंड है यहाँ के रहवासियों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसके लिए ये डंपिंग ग्राउंड बंद किया जाए। तो आइए अब हम महिलाओं से बात करते हैं, आखिर आज फिर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया क्या, अब भी कचरा डाला जा रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। महिलाओं से भी बात करते हैं, हमारे साथ आज आपके डंपिंग ग्राउंड से आवाज उठा रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे पूरी बात? इससे पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है दो दिन पहले, आज आपका घर तो क्या कहना चाहोगे? डंपिंग की वजह से डंपिंग नहीं रहेगी तो हम लोग भी फुर्सत में रहेंगे ना, डंपिंग की वजह से हम लोग को कितना तकलीफ हो रही है, गरीब इंसान कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से दवाई इलाज करेंगे, तो नहीं डंपिंग बंद होगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यही हमारे साथ एनजीओ की कार्यकर्ता मौजूद है, कल्पना सूर्यवंशी, आइए उनसे भी बात करते हैं। कल्पना जी, आप इस बारे में क्या कहोगे जो ये अवैध तरीके से डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा मैं यहाँ पे आई, इधर के लोगों ने जो मुझे बताया है कि यहाँ पे जो डंपिंग का जो कचरा यहाँ पे लोग डाल रहे हैं, इससे इधर के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ये लोग खुले मतलब वातावरण में श्वास भी नहीं ले पा रहे, ऐसी जगह पे वो लोग कचरा लाके यहाँ पे डाल रहे हैं, बच्चे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एक अभी फिलहाल 7-8 दिन पहले कोई प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ पे
डेथ हुई है जिसका डिक्लेयर किया गया था। तो प्रदूषण की वजह से जो गंदगी यहाँ पे फैली है डंपिंग की वजह से, तो ये लोग यहाँ पे कचरा जो डाल रहे हैं तो किसको पूछ के किसकी परमिशन से डाल रहे हैं, जब यहाँ पे जिनकी जगह है 7-12 जिनका है उनके पास लीगली सब प्रूफ है, वो प्रूफ वो लोगों ने जमा किया है, यहाँ वहाँ फाइल भेजे है, लेकिन अभी तक प्रशासन क्यों नहीं ये जो इस काम में लोगों ने आगे होके जो लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, गांव वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी जगह पे हम लोगों को डंपिंग का कचरा नहीं डालना, फिर भी जबरदस्ती ये लोग क्यों अपनी मनमानी, प्रशासन क्यों मनमानी। तो मैडम दो दिन पहले भी संदीप भोयर और सोदू यादव ने यहाँ पे आवाज उठाई धरना प्रदर्शन किए कि ये डंपिंग ग्राउंड बंद किया जाए, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुई है, लगातार गाड़िया से गाड़िया आ रही है कचरे की। आज आपको क्या लगता है कि आप सारी महिलाएं आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, यहाँ की रहवासी महिलाएं भी आई, तो आपको क्या लगता है ये बंद हो जाएगा? जी हाँ, क्यों नहीं बंद हो जाएगा, जब हमारे पास 7-12 है, हमारे पास लीगली प्रूफ है, सब गांव वाले जो इधर रहते हैं ये लोगों का पूरा विरोध है इस बात का, तो अगर कोई पॉलिटिकल यहाँ पे वो लोगों को सपोर्ट कर रहा हो जिसके चलते ये लोग अपना जो काम बंद नहीं करे, लोग यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं, दो दिन से आंदोलन चल रहा है, फिर भी जहाँ का वहाँ सब काम रुका है और ये लोग यहाँ पे डंपिंग रुका के खड़े है, तो क्यों, कौन सपोर्ट कर रहा है वो सामने आए। तो जब तक अगर ये अवैध डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं होता, यहाँ पे कचरे की गाड़ियाँ नहीं बंद होती है, तो क्या जब तक आप इसी तरीके से विरोध करते रहोगे? हाँ, हम लोग इसी तरह से यहाँ पे विरोध करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे का डंपिंग कचरा बंद नहीं हो जाता है हम लोग लड़ेंगे। यही हमारे समाज सेवी का मुन्नी आपा भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मुन्नी आपा क्या कहेंगे आज आप यहाँ पे आए हो हमारे डंपिंग ग्राउंड के आवाज उठाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहोगे? मैडम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। मैं ना एक सत्यवादी समाज सेवी का झोलझापा टोपाटापरा में हूँ, सबको गाँव वालों को सब जगह मालूम है, किधर किधर लोगों को मालूम है कि मुमरा में एक मुनिया आपा आए तो हक के लिए किसी से भी लड़ती है, हक दिलाती है, हक की बात करती। तो ये ना 10-15 लेडीज लोग आए थे रात में, मालूम नहीं कौन था, तो मेरे को रस्ते में लोग बोले पकड़े कुछ बोले आपका ना मुनिया आपा है, मेरे को लिए हाँ, तो बोले मुनिया आपा हमारे यहाँ डंपिंग लगेला है, हम लोग को गाँव वाले ने हम लोग को घर बना के दिया, लेकिन डंपिंग ऐसा आ रही है, कचरा आ रहा है, सब उल्टी हो रही बात आ रही। एक लेडीज है वो पेट से थी, बच्चा उसका वो मर गई, यही बात किया डॉक्टर खुला बोले कि इसको ये बात की इसे ना इन्फेक्शन हो गया मर गई, तो ऐसा सब गांव वाले डरते हैं, बच्चे मासूम खेल नहीं सकते, क्या मैं इन लोग का पैसा लेके आ रही हूँ क्या, इन लोग की चाय भी नहीं पी, मतलब जानती भी नहीं, ये देखो मासूम बच्चे लोग रो रहे, तो मैं आई हूँ बजाऊंगी और कुरकुरे के कर करे उसको बोल देना तेरा डंपिंग बंद कर दे, तो तेरे को बच्चे लोग के हाथ में दे दूंगी और बच्चे तेरे पर चढ़ के तेरे को ना कुरकुरे बना के खाएंगे। तो आपने सुना समाज सेवी का मुन्नी आपा ने क्या कहा, यहाँ की कुछ महिलाएं उनके पास गई थी उनसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी धरना प्रदर्शन होने के बावजूद यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कचरे की गाड़ियाँ कंटिन्यू चालू रहती है, यहाँ पे जब गाड़ियाँ पार्क होती है तो इस तरीके से पार्क किया जाता है जैसे ये हाईवे रोड हो, यहाँ पे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे यहाँ पे रोड पे खेलते हैं, जब यहाँ की महिलाएं ने आवाज उठाई कि यहाँ पे आप गाड़ी स्लो चलाया करो, तो ये गाड़ी जो कचरा लेकर आती है ये लोग ना तो सुनते हैं इन लोगों की और वैसे ही गाड़ी चलाते हैं पास। तो इन महिलाओं का यही कहना है कि किसी भी तरीके से ये डंपिंग ग्राउंड बंद किया जाए और कचरे की गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी और कचरा यहाँ पे नहीं फेंका जाएगा। तो दीवा से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन थी।